हाय फ्रेंड्स, एग्जाम फ्लिप में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे कमला पुस्तक पढ़ रही है, इसमें पुस्तक पढ़ रही है क्रिया है। किसान हल चला रहा है, इसमें हल चला रहा है क्रिया है। उसी प्रकार घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है। इनमें जाता है, पड़ी है और खाता है क्रियाएं हैं। उसी प्रकार पीना, गाना, सोना, रहना, जाना आदि क्रियाएं हैं। धातु, आइए पहले ये देखते हैं। तू पढ़, वह पढ़ता है, वे पढ़ेंगे, तुम पढ़ो, तुमने पढ़ा। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं में पढ़ सभी में आया है, यही धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे खा, पी, लिख, देख, आज आदि। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, इसे हम ट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं, और अकर्मक क्रिया को हम अंग्रेजी में इनट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं, और क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। और काल की दृष्टि से क्रिया के तीन भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर किसी दूसरी जगह पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश फूल तोड़ रहा है और तनु पत्र लिखती है, ये क्रियाएं हैं, और फूल और पत्र कर्म है। तोड़ रहा है और लिखती है क्रियाएं हैं, फूल और पत्र कर्म है। उपरोक्त में तोड़ने और लिखने का कार्य तो कोई और यानी कि कर्ता कर रहा है, परंतु इनका फल यानी कर्म फूल और पत्र पर पड़ रहा है। यह सकर्मक क्रिया है। जिनका फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रियाएं कहते हैं, या जिस क्रिया के फल क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे, मतलब इसका कोई कर्म नहीं होता, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सो रहा है, श्याम रोता है। इसमें राम सो रहा है, इसका किसी भी कर्म पर नहीं पड़ रहा है, मतलब इसका किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें राम पर ही फर्क पड़ रहा है उस चीज़ का। श्याम रोता है, इसमें श्याम को ही फर्क पड़ता है, इसमें और किसी चीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार लड़की तैर रही है, वे हंसते हैं, राम नहाता है, हम बैठे हैं, ये सभी अकर्मक क्रियाएं के उदाहरण हैं। द्विकर्मक, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं, मीन्स उसमें दो दो कार्य हो। जैसे अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है, इस वाक्य में दो क्रियाएं हो रही है। पहला, अध्यापक क्या पढ़ा रहा है या क्या पढ़ाता है, अध्यापक हिंदी पढ़ाता है। दूसरा, किसे पढ़ा रहा है या किसे पढ़ाता है, बच्चों को, इसीलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं काल की दृष्टि से क्रिया के भेद, जो हम पहले भी बता चुके हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल।
आइए बात करते हैं वर्तमान काल से। वर्तमान काल होता है जो हमारे पास उपस्थित समय को ही हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, जैसे मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, इस वाक्य में जाता हूँ वर्तमान काल है। जैसे अध्यापक हमें पढ़ाते हैं, इसमें हमें पढ़ाते हैं वर्तमान काल है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह वर्तमान काल है। आइए बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल भूतकाल होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया हो उसे ही भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पांडवों ने कौरवों को हराया था, इसमें हराया था और राष्ट्रपति थे से हमें पता चलता है कि यह भूतकाल है। जैसे सुबह से वर्षा हो रही थी, इसमें हो रही थी बताता है कि यह भूतकाल है। अब बात करते हैं भविष्यकाल की। भविष्यकाल होता है आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। जैसे किसान खेत में हल चलाएंगे, अभी चलाया नहीं है, वह चलाएंगे आने वाले समय में, खेत में हल चलाएंगे, इसलिए यह भविष्यकाल है। कल विद्यालय बंद रहेगा या गर्मियों में हम शिमला जाएंगे या पहाड़ी इलाके में बहुत ठंड पड़ने वाली है, ये सभी भविष्यकाल के उदाहरण हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।